देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत मंजर है, बहुत ही शानदार नज़ारा है। और जितने भी मेरे व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर है, सभी को ईद का हार्दिक शुभकामनाएं। और आप देख सकते हैं ईद का मंजर, इधर बच्चे भी हैं जो बड़ों से ज़्यादा बच्चों में खुशी होती है। ये हमारा ईदगाह के बगल में कब्रिस्तान है, जो इंसान कहीं पे भी कितनों भी महल ठोक ले या मंजिलें बना ले, उसको आके इसी जगह में सोना है, इसी जगह में रहना है, यहीं पे उनको दफन होना है। ये कब्रिस्तान है जो कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाए हैं, कुल्लू नफ्सिन ज़ायकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। तो ये वही वो जगह है जहाँ पे सबको मरने के बाद आना है। ईद के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? सभी को ईद मुबारक हो। ताकि YouTube में आएगा सर, शुरू हो जाए। देख सकते हैं कि हम लोग दोनों गांव मिलके एक ही ईदगाह में नमाज़ पढ़ते हैं, और हमारे अंदर यूनिटी है, इत्तेहाद व इत्तेफाक है, क्योंकि ये हर उम्मत मुस्लिमा के अंदर होनी चाहिए, इत्तेहाद और इत्तेफाक। फिर मैं कहना चाहूँगा सभी मेरे व्यूवर्स को तहदिल से ईद मुबारक, सभी को ही खुशी मनाएं और बच्चों के साथ में मनाएं। आज फाइनली जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन अल्लाह तबारक व ताला ने हम लोगों को नसीब किया है। देख सकते हैं कि बच्चे का दुकान भी लगी है।
सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंजर है। कदम का पेड़ लगा हुआ है, इसके अंदर भी बच्चे सब हैं। देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है पानी पूरी बेच रहे हैं। नौ बजे के टाइम में नमाज स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं मिड़काह का ईदगाह का मंजर जो बहुत ही खूबसूरत है। और जहाँ तक आपका साइट या मंजर जाएगा वहाँ तक आप आदमी ही आदमी आपको नज़र आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ईद की नमाज़ अदा कर ली है और इमाम साहब खुतबा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल साइट। इधर भी बच्चों का भीड़ है, चलिए आपको दिखाते हैं। कोई
खा पी जाए नहीं या तो कालो के चले आप देख सकते हैं मिड़कहा का खूबसूरत मंजर ईद का, जो कि दोनों गांव मिलके हम लोग बहुत ही इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ एक यूनिटी के साथ ईद का त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। फिर मैं कहना चाहूँगा सभी दोस्तों को तहदिल से ईद मुबारक। और आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल साइट, यहाँ पे बच्चे भी हैं। भी देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे पानी पूरी बेच रहे हैं।